कलेक्टर महोदय जिला खरगोन के निर्देश पर सामाजिक न्याय विभाग खरगोन द्वारा दिव्यांगजनों के यूनिवर्सल आईडी कार्ड का किया सत्यापन। मेडिकल प्रमाण पत्र सत्यापन शिविर का आयोजन कसरावत जनपद पंचायत के सामुदायिक भवन में किया गया। कार्यक्रम में जनपद पंचायत कसरावत और नगर परिषद कसरावत द्वारा भी विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम में जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारियों ने पूर्ण सहयोग किया। सामाजिक न्याय विभाग के प्रभारी उप संचालक धर्मेंद्र गांगले द्वारा बताया गया, उक्त शिविर में लगभग 230 दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया, जिसमें जिले से डॉक्टर्स की टीम द्वारा दिव्यांगों का परीक्षण कर सत्यापन किया गया। उक्त आईडी के बन जाने के बाद दिव्यांगों को अनेक सुविधाएं प्राप्त होगी। अब उन्हें किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रमाण पत्र लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। यूनिवर्सल आईडी से ही सारा काम हो जाएगा। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र गांगले, प्रभारी उप संचालक सामाजिक न्याय विभाग खरगोन। सर, आज दिव्यांगों के लिए एक यूनिवर्सल आईडी या प्रमाण पत्र का आयोजन था, सर क्या होता है और इससे दिव्यांगों को क्या फायदा होता है? ये एक यूनिवर्सल आईडी बनेगी। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनने के बाद ये भारत सरकार की योजना है और उसमें यूनिवर्सल आईडी बनेगी, एक कार्ड जनरेट होगा। वो कार्ड से इनको, अभी क्या होता था कि प्रमाण पत्र सभी जगह ले जाना पड़ता था, कहीं भी इनको जो सुविधा मिलती गवर्नमेंट की सुविधाएं लेना है या कहीं भी लेना है तो एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी। अब वो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है ले जाने के लिए, वो कार्ड यूनिवर्सल रहेगा, कहीं भी इसका उपयोग वो कर सकते हैं। इसमें दिव्यांगों को ये फायदा भी होगा कि अभी परिवहन विभाग से एक ऑर्डर भी निकला है जिसमें दिव्यांगों को 50% किराए में छूट दी जाएगी ये कार्ड दिखाकर। जी सर, इस तरीके के जो आयोजन है ये सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है, तो ये पहला चरण है या इसके पहले और हो चुके हैं? क्या इस तरीके से कार्ड पहले बने या पहला चरण है? यूडीआईडी कार्ड का जो है वो करीब 2017 से चल रहा है ये प्रोग्राम। आज के शिविर में कितने लोग आए थे और कितने लोग लाभान्वित हुए इनसे? आज के शिविर में लगभग 230 के अनुमानित आए हैं और लगभग करीब 200 के आसपास लाभान्वित हुए हैं। जी, इस तरीके से मैं देख रहा हूँ, अभी कार्य और अभी चल ही रहा है तो कुछ आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई बात नहीं। जी जी तो, सर, हो सकते हैं। तो इससे निश्चित रूप से विकलांगों को फायदा होगा। और सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से इस तरीके के और क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं? अभी तो इसमें बहुत सारी योजनाएं चलती है दिव्यांगों के संबंधित, जैसे सहायक उपकरण वितरण किया जाता है दिव्यांगों को, DDRC जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र के तहत इन्हें सहायता प्रदान की जाती है। तो आज जितने भी दिव्यांग जो आए थे सभी को इस तरह की आईडी बनी कि इसके लिए कुछ विशेष लोगों को चुना जाता है? इसमें 40% का जो है 40% दिव्यांग होना चाहिए विभागीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए या कहीं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।